नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेल बेसिक्स। एक्चुअली एक्सेल ये जो है बहुत ही वास्ट है, ओके। और इसमें हम एक छोटा सा बिट देखने वाले हैं, वो है डेटा वैलिडेशन, ओके। तो दोस्तों, व्हाई शुड बी स्टडी दिस डेटा वैलिडेशन, ओके। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो भी वैल्यू आप किसी सेल में इनपुट करते हो, या जो भी डेटा आप किसी सेल में इनपुट करते हो, तो किसी डेफिनेट पैरामीटर के अंदर ही वो डेटा की वैल्यूज लेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसके अलावा जो भी वैल्यूज आप इनपुट करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। और आप दोस्तों, आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, जिसका URL है ganeshtidke.co, ओके। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट रहेगी, यू कैन सी। सो लेट्स सी हाउ डेटा वैलिडेशन, ओके। तो सबसे पहले मैं अभी मान लो जो लास्ट कॉलम है डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, अभी जो आप देख रहे हैं किलोमीटर्स में, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना ये टेबल में डेटा दिख रहा है आपको, पूरा की पूरा टेबल, मतलब जो लास्ट कॉलम है, ये अभी ये शफलिंग करना है मुझे, मतलब रैंकिंग देना है मुझे। एक्चुअली बेस्ट वर्ड इज़ रैंकिंग। तो मैं चाहता हूँ कि जो कम किलोमीटर वाला है वो सबसे ऊपर आए, मतलब फिर बढ़ते जाए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आर्या जो दिख रहा है, आर्या ये जो स्टूडेंट है, ये उसका घर से स्कूल तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि रैंकिंग में जो कम किलोमीटर, जो जिसका घर नज़दीक है स्कूल से, वो सबसे ऊपर आए, फिर उसके बढ़ते बढ़ते। तो मैं क्या सबसे पहले क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, डेटा सिलेक्ट करूँगा। मैंने डेटा सिलेक्ट किया है, ओके। अभी आप होम टैब में, आपको दिख रहा है ये होम टैब में एक अच्छा ऑप्शन है, सॉर्ट एंड फिल्टर, दिख रहा है आपको? तो उसका जो डाउन एरो है, आप दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करना है आपको। और मैं क्या चाहता था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। क्लिक किया, एक एरर मैसेज दिखा रहा है आपको, गेटिंग शॉर्ट वार्निंग दिखा रहा है, एक पॉपअप विंडो आया है, ठीक है। तो अगर मैं कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये जो कॉलम है सिर्फ इसी के अंदर ही सॉर्ट होगा, वो रैंकिंग मिलेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, एक्सपांड द सिलेक्शन, मतलब पूरे टेबल को ही वो ले ले। अभी देखिए, अभी देखिए आप आर्या का घर से डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। अभी आप बाद में देखेंगे, अपन सॉर्टिंग करने के बाद, ठीक है। तो मैं एक्सपांड द सिलेक्शन पे क्लिक अगर करूँगा, तो ये जो पूरा डेटा इस टेबल के अंदर है, ये पूरे टेबल, पूरे डेटा के लिए लागू हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सॉर्ट अगर मैं करता हूँ, अब देखिए आप, सबसे फर्स्ट नंबर पर आर्या था, तो वो जिसका 10 था, हाइस्ट था, वो नीचे चली गई। तो आप दिख रहे हो, आप बढ़ते क्रम में ये डेटा ले लिया है उसने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फायदा है इसका, ओके। और विथ मार्क्स के साथ भी चले गया वो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उपयोग है डेटा वैलिडेशन का। उसी तरह अगर आपको देखना है, दूसरी और एक चीज़ है, मान लो अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मान लो आगे मैं ये कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, ओके, या फिर ये कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और मैं चाहता हूँ कि सेम होम टैब में आप दिख रहे हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसी में मैं डाउन एरो क्लिक करता हूँ, ओके, और कलर स्केल्स में जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ अभी कि जिसको एक कलर सिलेक्ट करता हूँ, जिसको ज़्यादा हाइस्ट मार्क्स है, ठीक है, वो ग्रीन कलर में दिखाई दे, ठीक है। या फिर नहीं, मैं दूसरा चाहता हूँ, जो रेड कलर में है, या वेट, हाँ, जो ब्लू कलर में वो हाईएस्ट रैंकिंग रहे उसकी, आप देख रहे हो कलर पैलेट में ब्लू कलर सबसे ऊपर है, फिर सॉरी, या फिर ये हम लेंगे, या ठीक,
तो ये कलर पे क्लिक अगर मैं करता हूँ तो देखिए आप, दिख रहा है आपको, मतलब कलर कॉम्बिनेशन में ओके, हाईएस्ट वाला ब्लू कलर है, उसके बाद उससे नीचे जो है वो ग्रे कलर 18 है, ओके। तो सॉर्टिंग में मतलब आसान जाएगा आपको, ओके। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हम डिटेल में देखेंगे, ओके। और एक चीज़ जो होता है, मान लो आप सीपीएस सेल में क्लिक करते हो, ओके, तो सेल में क्लिक होना मतलब वो आप सिर्फ सेल के ऊपर हो, लेकिन अगर आपको सेल के अंदर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा, ओके। और तब जाके आप चेंजेस कर सकते हो। तो जो चार एरोज है, मैं मान लो मुझे 25 करना है, तो लेफ्ट एरो क्लिक करके मैं उसमें एक इंसर्ट कर सकता हूँ 6, लेकिन मेरा जो 20 है मैं एज इट इज़ रखूँगा, ओके। तो क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लो आपको ये पूरा जो टेबल है आपको शिफ्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर ये एच पे नहीं पकड़ना है आपको, आपको पकड़ना है यहाँ पे, जब तक ये जो कर्सर है चार एरोज में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है, बाद में आपको ड्रैग करना। ओके, गेटिंग, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ थी, सो इट वॉज यूजफुल। सॉर्ट एंड फिल्टर में, और बाद में भी हम सॉर्टिंग एंड फिल्टर में भी देखेंगे बाद में कुछ ऑप्शंस, फिलहाल के लिए ठीक है, ओके। सो वी विल स्टॉप।